आज आप उनसे पूछ रहे हैं कि 5 साल हमने तो सीट बचा ली थी, किसी एक मामले में मुसलमानों को महसूस हुआ है कि यहाँ पर सीट हमारी है। सीट जो बची हुई है ये कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस के नंबर बढ़ाने के लिए है, मिल्लत के लिए नहीं है, मिल्लत के लिए आवाज उठाने के लिए सीट नहीं। सीट बचाना है, सीट बचाना है, सीट बचाना अहम नहीं है। आज ये फासिस्ट ताकतों के आंख में आंख डाल करके उनको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। मंडी वालों को निकाल के फेंक रहे हैं, उलमा इकराम को माफ पीटा जा रहा है रमजान के महीने में, एमएलए के रिश्तेदारों को मारा जा रहा है, एक केस नहीं हो रहा है। जब तक जिंदा हो आपकी आवाज बनकर ऐवान के अंदर इन फासिस्ट ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देने का काम आपका भाई करेगा। This video presented by Raidan Multi Cuisine Restaurant. Variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, grand interior, genuine spices, hygienic kitchen. Address Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarga. Allah barakatuh. Ramzan ka mubarak mahina. Tamam rozedar yahan par asr ki namaz ke baad iftar ki taiyariyon ke liye jana hai. Main do waqt lunga, 2 minute lunga, aapse zyada waqt nahi lunga. गुलबर्गा शहर में मुसलसिल तौर पर 2 महीने से ज़ायद हम आवामी बेदारी का प्रोग्राम कर रहे हैं, आवाम तक पहुँच कर आवाम की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आवाम में ये जो मिल्लत के सामने जो मुसलसिल तौर पर हमले हो रहे हैं, उन मामलात को आपके बीच में रखने की एक छोटी सी पहल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन डेट डिक्लेयर कर चुकी है, इस 10 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है और अगले 10 तारीख को इलेक्शन है। तो आपके बीच में इन गुज़िश्ता 5 सालों में जो मिल्लत के सामने मुसलमानों को अपनी शरीयत साबित करने के लिए CAA NRC का मामला आया, उसके बाद से लेके हमारी बच्चियों के लिबास पर, हिजाब पर सवाल उठाए गए, हमारी इबादतगरों के अजान के मामले में आवाज़ उठाया गया, हमारे खाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारे मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को रद्द कर दिया गया, अड़ंत के अंदर हमारी दरगाहों के अंदर जाकर के लोग पूजा करने की बात कर रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं वहाँ पर, मुसलमानों को 165 लोगों को जेल को भेजा गया, 10 खवातीन हमारी माँ और बहनों को जेल को भेजा गया। ये तमाम मामले आपके बीच में है। कोविड के दरमियान रमज़ान के महीने में 4-5 हज़ार इफ्तार के दरमियान 2 साल पहले आपको याद होगा कि रमज़ान के मुबारक महीने में कोविड था और बाहर निकलने पर इफ्तार का परमिशन हम लोग हुकूमत से बात करके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके परमिशन लिए, तो इफ्तार के वक्त जो बाहर जाते थे रोज़दार उनको पकड़ के जो है केस फाइल किया जा रहा था, 4 से 5 हज़ार लोगों को फाइल किया गया। यहाँ पर ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ये गुलबर्गा शहर के एक तारीख के अंदर एक नए इतिहास को लिखने का इलेक्शन है। यहाँ पर हमको एक फैसला लेना है, यहाँ पर एक फैसला जो 5 साल में सीट बचाने के नाम पर सीट बचाना है वरना BJP जीत जाएगी का नारा बुलंद किया गया और मोहतरमा को जिताया गया। और आज इन 5 सालों में जो मिल्लत पर मुसलसिल तौर पर हमले हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी RSS यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो अटैक कर रही है, एक लफ्ज भी असेंबली में सीट बचाने के नाम पर जिनको जिताया गया उन्होंने एक लफ्ज भी असेंबली में आप मिल्लत के खातिर एक लफ्ज भी बात करने की जरूरत नहीं की, बात नहीं की है। ये बहसियत मुसलमान मस्जिद में के आते में खड़े होकर हम कह रहे हैं एक लफ्ज मिल्लत के लिए, ना हिजाब के लिए, ना गोश के लिए, ना अजान के लिए, ना हमारे मुस्लिम नौजवानों को जेल भेजा गया जब बात कर रहे हैं, ना 4% रिजर्वेशन के लिए बात कर रहे हैं, किसी मामले पे आप बात नहीं कर रहे, मगर इलेक्शन जब आता है तो सीट बचाने के नाम पर, देखो भाई हमको सीट बचाना है, सीट बचाना है, सीट बचाने के नाम पर जो है वोट BJP का डर बता करके इलेक्शन जीतने की साजिश हो रही है, नहीं हो रही है। आज आप उनसे पूछना है, आप उनसे पूछना है कि 5 साल हमने तो सीट बचा ली थी, किसी एक मामले में मुसलमानों को महसूस हुआ है कि यहाँ पर सीट हमारी है, नहीं है। ये सीट मिल्लत की सीट नहीं है, ये सीट जो बची हुई है ये कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस के नंबर बढ़ाने के लिए है, मिल्लत के लिए नहीं है, मिल्लत के लिए आवाज उठाने के लिए सीट नहीं। ये जो इलेक्शन हम जो आगे आने वाले 10 तारीख को वोटिंग करना है, ये सीट पर
आपका फैसला ऐसा होना है कि आपको महसूस होगा इंशाअल्लाह ताला कि ये सीट मिल्लत की आवाज बन सकती है, ये सीट मुसलमानों की आवाज बन सकती है, ये सीट जो फासिस्ट आरएसएस बीजेपी जो मुसलमानों के खिलाफ आए दिन उंगलियां उठा रही है उसके खिलाफ मजबूती से खड़ा होने वाली है, आपकी आवाज हो सकती है इंशाअल्लाह ताला। आज मुसलसिल तौर पर इन 5 साल 2 इलेक्शन हारा हूं मगर हिम्मत नहीं हारा हूं, जब भी मिल्लत के खिलाफ जो भी मामलात आ रहे हैं आपका ये भाई बेबाकी से आगे बढ़ के लड़ रहा है। लड़ रहा हूं कि नहीं लड़ रहा हूं? एनआरसी के अंदर लड़ रहा हूं, अलंग के मामले के अंदर जाकर के लोगों को मैयत को खांदा देकर के दफनाने का काम कर रहा हूं, तमाम लोगों को जेल से बाहर निकालने के लिए पहल कर रहा हूं। कोविड के अंदर हिंदुस्तान में कोई एहतजाज नहीं किया, मुसलमानों के गाड़ियां गिरफ्तार हो रहे हैं, बस स्टैंड के सामने बैठ करके एहतजाज कर रहा हूं, 4% रिजर्वेशन के सबसे पहले आवाज उठा रहा हूं, हिजाब के लिए कर्नाटका में सबसे पहले आवाज उठाने वाला मैं हूं। मुसलसिल तौर पर आपकी जज्बातों का ख्याल रखते हुए जब भी आपको महसूस होता है कि आम मिल्लत के खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है आगे बढ़ के लड़ रहा हूं, आज आपके बीच में आया हूं, आपसे पूछने आया हूं, आपका ये भाई आपके बीच में रहकर शिकस्त होने के बावजूद आपके लिए लड़ता आया है, लड़ते आ रहा हूं नहीं आ रहा हूं, मैं आपसे इंसाफ मांगने के लिए आया हूं कि आज ऐसे हालात में जब मुसलसिल तौर पर मिल्लत के खिलाफ उंगलियां उठ रहे हैं, मिल्लत को सेकेंड कैटेगरी सिटीजन साबित करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को कमजोर बताने की कोशिश की जा रही है, हम तो जवानी हो गई है, ये नौजवान बच्चे जिनके यहाँ पर उनका मुस्तकबिल का मामला है, हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं, ऐसा से कमजोरी में हो रहे हैं, सीट बचाना है, सीट बचाना है, सीट बचाना अहम नहीं है। आज ये फासिस्ट ताकतों के आंख में आंख डाल करके उनको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है, आज ये हम नौजवान नस्ल को सर उठा करके आंखों में हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, हमको मुस्तकबिल के लिए हमें लड़ना है। आज पुलिस महकमे की जरूरत हो गई है, 200-300 लोगों को रोजगार बंडियों वालों को निकाल के फेंक रहे हैं, उलमाए कराम को मार पीटा जा रहा है रमजान के महीने में, एमएलए के रिश्तेदारों को मारा जा रहा है, एक केस नहीं हो रहा है। भाइयों मैं आपसे पूछने आया हूँ, एक गलती आप अगर करते हैं तो आगे आने वाले 10-15-20 साल तक हमको उसका खामियाजा भुगतना होगा, फलों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। ये इलेक्शन एक तारीखी इलेक्शन है, ये इलेक्शन हर मुसलमान का इलेक्शन है, हर सेकुलर हिंदू भाई का इलेक्शन है, हमको फैसला करना है कि इस गुलबर्गा शहर के अंदर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कायम भी करना है और साथ ही साथ मुसलमान कमजोर नहीं है इसको साबित भी करना है, करना है नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपसे इजाजत लेने के लिए आया हूँ, आप अगर सब लोग मिलकर मेरा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आगे इलेक्शन में भी लड़ूंगा, जब तक जिंदा हो आपकी आवाज बनकर ऐवान के अंदर इन फासिस्ट ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देने का काम आपका भाई करेगा। हिंदुस्तान में कोई एहतजाज नहीं कर रहा है, रमजान के महीने में कोविड के अंदर एहतजाज कर रहा हूं, केस डाल ले रहा हूं, आपसे इंसाफ मांगने के लिए आया, आप मेरा इंसाफ करेंगे? शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।